मैंने अनेक बार इस पर बता दिया धन संपन्नता पुण्य का फल नहीं है पुण्य के योग में किए गए पाप का परिणाम बात को थोड़ा ठीक से समझना मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया अगर धन संपन्नता पुण्य का फल है तो जितने धनी मानी है सबको पुण्यात्मा मानने को राजी हो आप और जो धनहीन धन है उसको पापी मानने को तैयार हो नहीं मारे क्यों नहीं हो धन तो पुण्य का फल है और यदि ऐसा मानोगे तो इस दुनिया में सबसे बड़े पापी कौन हो जाएगा एक धेला भी नहीं है यहाँ तो लेकिन नहीं फिर महाराज किसी के पास अपार धन किसी के पास अल्प ये क्यों पुण्य क्या करता पुण्य धन नहीं देता पुण्य अनुकूल संयोग देता है अच्छी बुद्धि अच्छी लिंक अच्छी लाइन अच्छी गुडविल ये पुण्य का काम है पुण्य ने ये सब दे दिया अब इसके बाद आप जब व्यापार करते हो तो उसमें पाप करना पड़ता है बिना पाप के पैसा नहीं कमा सकते ये हो सकता आप अनिति के बिना पैसा कमा लो पर आप निष्पाप भाव से पैसा कमा ही नहीं सकते क्यों एक से लेकर पंचेंद्री तक किसी न किसी प्रकार की हिंसा अथवा राग देश का भाव होगा ही होगा दुकान में बैठे बैठे पुण्य करते हो क्या तो पुण्य के उदय में पाप करने से धन कमाया जाता है ये गांठ में बांध लो तो क्या करो धन के अर्जन में कम से कम पाप हो इसका ध्यान रखो और अर्जित धन के उपभोग में जितना बने पुण्य का काम करो जीवन संतुलित हो